रात का मैं किस्सा बताता हूँ यार। देख रहे हो, कभी जिंदगी में इतना मैं घी नहीं खाया था भाई, इतना सारा घी डाले ना इधर। किसने मेरा व्यवस्था करवाया है और वो लोकेशन कहाँ पे है, हम जाने के बाद आपसे बताते हैं। तो हेलो गाइस, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे सेफ होंगे। तो आप सभी जने को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 6:30 हो गए हैं और इस वक्त हम हैं मतलब अजमेर के आगे में एक गांव है। वो गांव का नाम क्या नाम है यार, नाम मैं भूल जाता हूँ यार। तो वहाँ पे रुके हैं और रात में एक ढाबा पे अपन रुके थे, भैरवनाथ करके ढाबा है। और यहाँ पे अपना हम सफ़र एकदम फिट एंड फाइन और अपन भी फिट एंड फाइन जाने के लिए। और मैं नहा वहाँ के एकदम फ्रेश हो गया भाई, मस्त सुबह सुबह नहा लिया, बढ़िया लग रहा है। और बाकी आज का जो राइड होने वाला है 125 किलोमीटर है और हम फाइनली पहुंच जाएंगे जयपुर। जयपुर जहां पे भाई बहुत कुछ है देखने के लिए, वो सब चीज़ आपको दिखाएंगे। तो बाकी आज का दिन और आज का राइड स्टार्ट करते हैं भोले बाबा के नाम लेके। जय हो दबाके जी। आज सुबह सुबह सूर्य देव भी दर्शन दे दिए हैं, जय हो सूर्य देव। और भाई इधर पे है पहाड़, अरे हम हाईवे में जा रहे हैं भाई साहब। और भाई रात का मैं किस्सा बताता हूँ यार। मैं वो ढाबा में रुका था ना जहाँ पे अभी, भाई साहब वो ढाबा वाले भाई यार रात भर गाना बजाया, मेरा दिमाग खराब हो गया, सही बता रहा हूँ। क्योंकि वो लोग डे में थे, वो लोग नाइट में सोने चल गए, नाइट में आए जो बंदा भाई साहब रात भर बाक्स को बजाया भाई। और इनका राजस्थानी भाषा में गाना चलाते थे, वो भी धीरे नहीं फुल वेल्लू करके, मैं क्या बताऊं भाई। रात भर ढंग से सोया नहीं हूँ मैं, 3:30 बजे सोया हूँ और फिर 5 बजे उठ गया, बताओ। तो बाकी जी इस वक्त रुके थे हम पेट्रोल पंप में पानी भरने के लिए, क्योंकि भाई सुबह सुबह प्यास लग गया, 1 लीटर तो ख़त्म हो गया, अभी फिर दोनों बॉटल में भर लिया हूँ पानी। और बाकी ये पेट्रोल पंप है, पूरा कीचड़ हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पेट्रोल का रेट थोड़ा ज़्यादा है भाई, पेट्रोल डीजल का। जैसे अपन गुजरात में थे ना, मैं गुजरात में था तो गुजरात में पेट्रोल डीजल का रेट सस्ता था, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, मतलब वही 7-8 रुपये थोड़ा ज़्यादा होगा यहाँ। सुबह सुबह टोल गेट का फिर दर्शन होता हुआ, और ये टोल गेट बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा है। तो बाकी जी हम अभी हैं किशनगढ़ के पास, और इस साइड में है किशनगढ़, यहाँ से सिटी है 3 या 4 किलोमीटर दूर है सिटी अंदर। और ये है मेन हाईवे 8 नंबर NH, और इधर पे क्या तो इस तरफ में क्या तो गांव है यार, लेकिन हनुमानगढ़ करके जगह है और रतनगढ़ करके जगह है इस साइड में, हनुमानगढ़ या रतनगढ़ ऐसा कुछ जगह है। और बाकी इधर पर देख रहे पूरा टाइल्स भाई, ये देख पूरा टाइल्स, क्योंकि भाई साहब राजस्थान में ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइल्स का उत्पादन होता है, यहाँ से टाइल्स बहुत ज़्यादा बन के बाहर जाता है, और पूरे यहाँ पे टाइल्स का ही दुकान लगा हुआ है। और रोड में बहुत सारे गाड़ी जाते हैं ट्रक में, आपको दिखाऊंगा, बड़ा बड़ा ट्रक में बड़ा बड़ा पत्थर जाता है, देखो गाड़ी में जा रहा है पत्थर टाइल्स वाला। बाकी जी अभी हम हाईवे में रुक गए हैं नाश्ता करने के लिए, और यहाँ पे है पोहा, तो पोहा खाते हैं भाई। भैया पोहा दे देना। हाँ, और मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ इधर पे पोहा ऐसा, और कभी मतलब बहुत दिन हो गया पोहा खाया ही नहीं था। तो खाते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद निकलेंगे अपन। Thank you.
अजमेर से सीधा जयपुर वाला हाईवे है ना, ये सीधा मतलब समतल हाईवे है, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं है। अजमेर से पीछे वाला जो हाईवे था ना भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे था यार, मतलब वो पूरा हिली एरिया था, पहाड़ की एरिया, इस वजह से बहुत ज़्यादा। इधर पे बारिश हुआ है क्या, तो देखो खेत में पानी वानी है, और इधर खेती वाला एरिया है ज़्यादातर। अब पता नहीं क्या फसल लगाते हैं यार, समझ नहीं आता। इधर धान लगा, धान तो है नहीं, दिख नहीं रहा है धान का फसल। और बाकी यहाँ से अब जो जयपुर की दूरी है 70 किलोमीटर बाकी है बाबा, और अभी ऐसे भी 11:20 हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में लिख रहा है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। सही बात है भाई, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, भारत स्वच्छ बनाओ और एक पेड़ जरूर लगाओ। इधर पे बढ़िया हरा भरा है, मस्त। तो जी इस सिटी का नाम है दूधो, दूधो, दूधो करके सिटी है, और बहुत बड़ा है भाई। और बाकी हम तो हाईवे मतलब ओवर ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं, नीचे से जाते लेकिन नीचे में ब्रेकर बहुत ज़्यादा बना रहता है, इस वजह से मैं नीचे से नहीं जाता हूँ। अब है तो ऊपर ओवर ब्रिज से चलते हैं ऊपर से। बाकी जी अपन आ गए एक ढाबा में खाना खाने के लिए, भूख बहुत लग रहा था भाई। और ये है ढाबा, चौधरी ढाबा है भाई, और सब उधर पे है हाईवे। और आज का खाना तो भाई साहब क्या बताएं, ये देख रहे हो, कभी ज़िंदगी में इतना मैं घी नहीं खाया था भाई, इतना सारा घी डाले है ना। इधर पे घी रोटी घी में डाल के देते हैं, बहुत अच्छा है। भिंडी सब्जी रायता और ये दाल और ये चटनी दिए हैं बस। इधर पे चावल नहीं मिलता, ये है चावल नहीं, रोटी खाना है बस। और इधर बाजरा का रोटी और गेहूं का रोटी, दो प्रकार का रोटी होता है, आप कोई भी खा सकते हैं। और ये सब 100 रुपये में मिलता है भाई थाली। अब रोटी कितना खाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये खाते हैं उसके बाद मिलेंगे। तो बाकी जी हम निकल गए जयपुर की ओर भाई, अभी 2:20 हुए हैं और आज मौसम बढ़िया है, इस वजह से मैं निकल गया हूँ, थोड़ा धूप नहीं है। और भाई साहब वो घी घी वाला रोटी खा के तो भाई मतलब मेरे को तो ऐसा आलस आ रहा है ना पूछो मत, बहुत सारा घी डाल दिए थे भाई, मैं तो कभी ऐसा घी में ज़्यादा खाया नहीं था खाना भाई, इतना ज़्यादा घी खाते रहे बाबा इधर। और रोटी देखे ना भाई, यहाँ का रोटी रोटी है बाबा, 2-3 खाओगे ना तो उसके बाद खाने का मन ही नहीं करता, इतना बड़ा बड़ा रोटी बनाते हैं ना ये ढाबा मन में राजस्थान में। बाकी गई गर्मी इतना है ना भाई पूछो मत यार, देख रहे हो धूप तो बड़ा तेज हो गया है। और अभी 3 बज गए ऐसे, और बाबा दोपहर मतलब 1:12 से 1 बजे तक मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। तो बाकी जी गुड इवनिंग, अभी वक्त हो गए 4:10, और अभी मौसम ठीक है, धूप भी नहीं है, क्योंकि धूप आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, तो जितना हो सके उतना चलते हैं। इधर ये हाईवे में ना जो ट्रक जाते हैं ना भाई, एक से हॉर्न लगा के रखे हैं भाई, एक से क्या बताएं बताएं, गजब गजब वाला हॉर्न बजाते हैं। यहाँ से शहरी क्षेत्र प्रारंभ होता हुआ, देखो यहाँ लिखा है, एक सिटी का नाम है महला, महला सिटी है, महला नहीं महला। तो जी इधर पे पुलिस वाले ट्रक वाले को रोके हैं भाई, मतलब वो बोलते हैं ना चेक करने वाला बहुत होता है ना, जो दारू पीता है वो पता चल जाता है, वही वाला मशीन में चेक कर रहे हैं ये ट्रक वाले को रोके हैं, इसलिए बोला जाता है ड्रिंकिंग नॉट ड्राइव
अब दारू पी के गाड़ी मत चलाओ, पकड़ लिया है पुलिस वाला। सही है भाई, गाड़ी दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो जी आप सभी जने को गुड इवनिंग, और अभी टाइम हो गए हैं 7:20 और भाई हम फाइनली जयपुर पहुंच गए हैं। मतलब ये जो हाईवे है, रोड है ना, मतलब ये मेन हाईवे से हट के है, और यहाँ हमें आज रहने का व्यवस्था हो गया है। उसी लोकेशन में जा रहे हैं इसी हाईवे से। वो कहाँ पे है और किसने मेरा व्यवस्था करवाया है और वो लोकेशन कहाँ पे है, हम जाने के बाद आपसे बताते हैं। तो मिलते हैं वहीं पे। बाकी जी हमें जहाँ आना था और वहाँ पे आ गए हैं हम, और इस वक्त हम हैं उदयपुर में, और जहाँ हमें लोकेशन भेजा था और कौन है आपको बताते हैं, और एक कौन सा जगह है उसको भी बताते हैं। तो बाकी ये जगह है जहाँ अपन रुके हैं ना, इस जगह का नाम है जी क्या बोलते हैं, कृषि विश्वविद्यालय है, एक विद्यालय है और कृषि ऑफिस भी है। तो यहाँ पे रुके हैं, और ये है आपका दुर्गा नगर करके है आपके क्या बोल जयपुर में। तो यहाँ पे हम रुके हैं, और बाकी इसका व्यवस्था कर दिए हमारे लिए इसका वो है ओम प्रकाश सर, वो राजस्थान के हैं, बाकी वो अपने छत्तीसगढ़ में रहते हैं। वो भी एक अपने छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में है ना, वहाँ पे एक ऑफिसर हैं कृषि विभाग के, तो उन्होंने ये अरेंजमेंट कर दिया है। वो भी एसी वाला रूम भाई। अब वैसे तो हम ढाबा पेट्रोल पंप में देखते हो गए आप मेरे को, ये है थोड़ा एसी वाला रूम। ये यहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ 2 दिन, और 2 दिन के लिए बुक कर दिया। बाकी दिल से धन्यवाद ओम प्रकाश सर, आपने इतना कुछ किया, और दिल से धन्यवाद जीवन सलाम सर, आपने भी बहुत मेरे लिए किए, क्योंकि जो ओम प्रकाश सर है ना, वो जीवन सलाम सर है जो डॉक्टर है, उनके फ्रेंड है, जो जगदलपुर के डॉक्टर जीवन सलाम सर है उनके फ्रेंड है। तो उन लोगों ने ये व्यवस्था करवा दिया भाई मेरे लिए। तो उन दोनों जने सर को लिए दोनों जने सर को दिल से धन्यवाद। और बाकी यार आपको ये रूम दिखाते हैं कैसा है रूम, देखो ये है रूम, और यहाँ पे पूरा अपना सामान भसड़ मच गया है, पूरा लॉक खोल दिया हूँ भाई, गीला गीला था, और इधर पे भी सामान वामान है। और ये है एक बाथरूम, यहाँ पे बढ़िया है बाथरूम, और एसी भी है भाई साहब। मेट वेट ला लिए, पूरा सामान ला लिए यहीं पे अंदर में, और इसका जो बाहर का एरिया है उसको हम कल मॉर्निंग में दिखाएंगे। और तो बाकी मॉर्निंग में आपको कल हम आपको उदयपुर नहीं जयपुर सिटी घुमाने लेके जाएंगे, और अपन भी घूमेंगे जयपुर में। और जयपुर में बहुत सारा जगह है भाई घूमने के लायक, मतलब बहुत जगह है। तो 2-3 जगह है, वो आपको कल बताएंगे कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ आपको लेके जाऊंगा। तो वो सब चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बेल आइकन को भी दबा, सब कुछ कर दो। बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।